दोस्तों आपने टीवी इंडस्ट्री में कई खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्रियों को काम करते हुए देखा होगा, जो कि अपनी एक्टिंग और अपनी अदायगी के साथ साथ अपनी हर एक अंदाज से दर्शकों को दीवाना बना रही हैं। तभी तो इन अभिनेत्रियों को इनके टैलेंट और इनकी खूबसूरती की वजह से हमेशा ही किसी न किसी प्रोजेक्ट में काम मिलता रहता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि टीवी इंडस्ट्री में ऐसी भी कई अभिनेत्रियां हैं जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड है, पर इसके बावजूद भी इन्हें काम नहीं मिल रहा और इन्हें खाली बैठना पड़ रहा है। आखिरकार वो कौन सी अभिनेत्रियां हैं जो कि इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड होने के बावजूद भी खाली बैठना पड़ रहा है, आइए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो के जरिए। नंबर एक, अदा खान। पिया बसंती रे और अमृत मंथन जैसे कई सीरियलों का हिस्सा रह चुकी अभिनेत्री अदा खान अपनी खूबसूरती और टैलेंट की वजह से खूब जानी जाती हैं, पर इसके बावजूद भी कुछ सालों से इन्हें किसी भी टीवी सीरियल में काम नहीं मिल रहा और इन्हें खाली बैठना पड़ रहा है। नंबर दो, जेनिफर विंगेट। सरस्वती चंद्र सीरियल में कुमुद सुंदरी के किरदार में नजर आई अभिनेत्री जेनिफर विंगेट को उनकी खूबसूरती और उनकी दमदार टैलेंट की वजह से खूब जाना जाता है, पर इतनी टैलेंट और खूबसूरत होने के बावजूद भी इन्हें खाली बैठना पड़ रहा है। जी हाँ, पिछले कुछ सालों से इन्हें कहीं भी काम नहीं मिल रहा। नंबर तीन, सुरभि ज्योति। कबूल है सीरियल में काम करके मशहूर हो चुकी अभिनेत्री सुरभि ज्योति के टैलेंट की हर कोई तारीफ करता है, पर इतनी टैलेंटेड होने के बावजूद भी सुरभि ज्योति को कहीं काम नहीं मिल रहा और इन्हें घर पर खाली बैठना पड़ रहा है। नंबर चार, दिव्यांका त्रिपाठी। ये है मोहब्बत सीरियल में श्रिता भल्ला के किरदार में अपनी खूबसूरती और अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीतने वाली अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी इतनी टैलेंटेड होने के बावजूद भी खाली बैठी हुई है। जी हाँ, पिछले कुछ सालों से इन्हें भी किसी टीवी सीरियल में काम नहीं मिल रहा, जिसके चलते इन्हें घर पर खाली बैठना पड़ रहा है। नंबर पांच, दीपिका कक्कड़। ससुराल सिमर के सीरियल में सिमर का किरदार बखूबी से पर्दे पर पेश करके सभी का दिल जीतने वाली अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ ने अपने टैलेंट से सभी का मन मोह लिया था, पर इतने टैलेंट होने के बाद भी आज इन्हें कहीं भी काम नहीं मिल रहा। नंबर छह, दृष्टि धामी। सीरियल मधुबाला में मधुबाला बनकर धूम मचा चुकी अभिनेत्री दृष्टि धामी भी टैलेंट और उनकी खूबसूरती से हर कोई वाकिफ है, पर इसके बावजूद भी इन्हें कहीं भी काम नहीं मिल रहा। हालांकि इन्हें कई वेब सीरीज शोज में काम करने का मौका तो मिला, पर लगातार किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम करने का नहीं मौका मिला। नंबर सात, हिना खान। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में अक्षरा के नाम से घर घर में मशहूर हो चुकी अभिनेत्री हिना खान ने इस सीरियल में अपने टैलेंट से सभी को दीवाना बना दिया था, पर इतनी टैलेंटेड होने के बावजूद भी इन्हें काम नहीं मिल रहा। हालांकि इन्हें छोटे मोटे शोज में काम मिलता है, पर इन्हें इनके टैलेंट के मुकाबले काम नहीं मिल रहा। नंबर आठ, देबोलीना भट्टाचार्जी। साथ निभाना साथिया सीरियल में गोपी और बहू के किरदार को निभाकर मशहूर हो चुकी अभिनेत्री देबोलीना भट्टाचार्जी ने अपने टैलेंट और खूबसूरती से इस सीरियल में सभी को दीवाना बना दिया था, पर इन्हें किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में काम नहीं मिल रहा, जिसके चलते ये आज घर पर खाली बैठी हैं। तो दोस्तों, इन अभिनेत्रियों के बारे में जानकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।